आपके साथ। जिला क्रीड़ा संघ का हुआ गठन, नए पदाधिकारियों का किया गया चयन। अध्यक्ष पद पर चयनित हुए गौतम वर्मा तो सचिव बने अजित कुमार। कोषाध्यक्ष पद पर MH रहमान को चुना गया। इस अवसर पर सभी नए पदाधिकारियों को माला पहनाकर किया गया सम्मानित। मौके पर सभी खेल प्रतिनिधि भी हुए शामिल। DSA मैदान में आयोजित हुई बैठक, मैदान के जीर्णोद्धार और खेल को बढ़ावा देने की हुई पहल। समय से चल रही थी और खेल संघ जो है उसने निर्णय लिया कि हम लोग खेल संघ का गठन करेंगे और आज खेल संघ का गठन हुआ है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मुझे लोगों ने चुना है और सेक्रेटरी के रूप में अजीत कुमार सिंह जी को चुना गया है। कोषाध्यक्ष के रूप में रामान साहिब, उपाध्यक्ष के रूप में हमारे AK बोजदार जी हैं, नीरज सिन्हा ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, मिथिलेश पोद्दार हैं, रीना बाकला है, आदेश सिंह है, अजय कुमार है, उसके गौतम ठाकुर जी हैं। तमाम लोगों को खेल संघ के लोगों ने एक कमेटी का गठन किया है और आज इसकी विधिवत सम्मान समारोह करके आज हम ऑफिस का कारभार आपके सामने संभाल। उद्देश्य क्या रहेगा आपका? उद्देश्य है कि जिला में खेल को बढ़ावा देने, चूँकि खेल संघ से हम लोग शुरू से जुड़े रहे हैं तो खेल DSA को मजबूत बनाना है। पूर्णिया में खिलाड़ियों का जो है और आज़ादी उत्थान हो, खिलाड़ियों के प्रति जो है सरकार को जो जिम्मेवारी निभानी चाहिए वो नहीं निभा पा रही है, जिला प्रशासन भी उसमें सुस्त है। DSA का जीर्णोद्धार होना आवश्यक है ना, खिलाड़ी कल्याण कोष योजना की व्यवस्था करना है। हम जिला में आपको जिला खेल संघ का कैलेंडर का बनाना है और सभी खेल संघों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से DSA का गठन किया गया और हम लोग है कि हम लोग जो है पूर्णिया में जिला खेल संघ को आगे बढ़ाने का लेकर काम करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे सब लोगों ने दी है, निश्चित तौर पर मैं कोशिश करूँगा अपने जो है दायित्व का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक कर सकूँ और पूर्णिया में विकास, खेल का विकास बढ़ता जाए, इस ओर जो भी प्रयास करना होगा मैं अपनी ओर से करूँगा। वैसे तो आज DSA के फॉर्मेशन का सम्मान समारोह मनाया जा रहा है, लेकिन मैं इसे सम्मान समारोह नहीं कह के शपथ ग्रहण समारोह कहूँगा कि आज हम लोग कमेटी के सारे सदस्य एक शपथ ले रहे हैं कि DSA के कार्यों को निष्ठापूर्वक ईमानदारी से हम संपन्न करेंगे। खेल जगत को DSA का भरपूर सहयोग मिले, ये हमारी प्राथमिकता होगी और सभी खेल संघों का सहयोग हमारे साथ है और हम आशा करते हैं कि सभी के सहयोग से DSA पूरे ज़िला में खेल के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। सर, पूर्णिया में खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ उनके खेलने के लिए मैदान में या उनके उपकरणों में कुछ कमी देखी जाती है, तो इसके लिए आप लोग सर क्या पहल करेंगे? अभी तक तो सभी खेल संघ अपने स्तर से तैयारी करते थे खिलाड़ियों को, उनका जो भी किट लगता है, जो भी ड्रेस होता है या खाने पीने की जो व्यवस्था होती है या कोचिंग की व्यवस्था होती है, सारे संघ अपने स्तर से किया करते थे। लेकिन अब DSA के फॉर्मेशन के बाद, DSA के संगठन तैयार होने के बाद ये जिम्मेदारी DSA पर भी आएगी कि सभी खेल संघ को एक नज़र से देखें और सभी खेल संघों के उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके खिलाड़ियों को सही कोचिंग मिले, उनके खिलाड़ियों को सही खेल का जो सामान होता है वो प्राप्त हो, इन सारी सुविधाओं पर भी DSA ध्यान रखेगा और इस पर काम करेगा। खेल संघ के सभी सचिवों ने जो मुझे दायित्व दिया है, मैं भरसक पूर्वक प्रयास करूंगा कि पूर्णिया जिले में जो खेल का विकास हो उसमें मेरी पूर्ण भागीदारी हो। इससे पहले जो DSA का कुछ वर्षों से जो कार्यक्रम बंद था या जो उसका विकास रुका हुआ था, निश्चित तौर पर से
आज से हम लोग भरपूर प्रयास रहेगा कि DSA का विकास हो और हम लोग जितना संभव हो सके हम लोग सफल करने का कोशिश करेंगे। जिला क्रीड़ा संघ एक लंबे समय से प्राय मृतप्राय था। यहाँ अलग अलग संघों के खिलाड़ी अपनी तरफ से खेलते थे। अब इसके नए कमेटी के गठन हो जाने से जो सब अलग अलग थे एक साथ जुड़ गए हैं और इस तरह से हम लोग सभी खेल के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सकेंगे। खासकर प्रतिभा की कमी नहीं है गाँव में भी, जिसको मौका नहीं मिलता है। यह जो खेल है केवल शहर में ही सिमट के रह गया था, तो हम DSA का प्रयास रहेगा कि ऐसे खिलाड़ियों के हर खेल के जो गांव में भी खेलते हैं उनको भी हम लोग प्रोत्साहित करके आगे बढ़ने का मौका दें।